सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ऑल इन वन के अंदर। दोस्तों आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा, हमारे जो गेट के जो थर्मोडायनामिक्स के एक लेक्चर्स थे वो फिनिश हो चुके हैं। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड, जिससे आप सबको अच्छी तरह से उसकी आइडिया समझ में आ सके। पहले बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करवाओ, बट यार क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने से क्या होता है कि जिन लोगों को कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर नहीं होता उन लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे जाना टफ पड़ जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और आप लोग को भी अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके फिर भी आप एक बार देखिए और क्या हो सके, इसलिए देखिए कि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर कहीं जगह मैं गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में मुझे भी बता सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होगा वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा अपने आप ही, और मैं उसके बारे में डिस्कस करके फिर यहाँ पे पेपर पे बता दूंगा। क्योंकि यह क्या होता है कि सारे चार ऑप्शंस और फिर साथ में क्वेश्चंस ये सबको लिखना और एक क्या था एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है जो कि अपने काम का है नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। एन इंसुलेटेड रिजिड वेसल कंटेंट्स अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। द मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय अ माइनट स्पार्क। द कंटेंट्स ऑफ द वेसल एक्सपीरियंस। मतलब ये कहा गया है कि अपने पास एक वेसल है जो पूरी तरह से इंसुलेटेड वेसल है। इंसुलेटेड वेसल है, उसके अंदर एक मिक्सचर है फ्यूल एंड एयर का। जैसे अपने बाइक में भी फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर होता है, बट उससे क्या होता है सराउंड से इंटरेक्शन होता है। बट ये हमने फुल पूरी तरह से इंसुलेटेड रखा है, यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ये आपको पता ही होगा इंसुलेटेड मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर आपका नहीं होता। तो बस वो है। और यहाँ पे पूछा कि उससे चार ऑप्शन दिया हुआ है और चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। फर्स्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड एनर्जी। सेकंड है डिक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड एनर्जी। थर्ड है इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर बट नो चेंज इन एनर्जी। और लास्ट है जो डी वो क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बट डिक्रीज इन एनर्जी। अब बात ये आ रही है कि इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड इंसुलेटेड है मतलब क्या होगा, चेंज इन हीट जीरो। अब आप क्या कर रहे हो, हीट फ्यूल एंड एयर है उसको आप हीट कर रहे हो, इग्नाइट कर रहे हो, तो इसका डेफिनेटली बात है जैसे आप इग्निशन करोगे सो टेम्परेचर इंक्रीज अपना आप ही हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, उसमें डिक्रीज लिखा हो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज तो होगा नहीं। सो तीन बाकी के जो तीन ऑप्शन है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डी क्यों हो रहा है, मतलब चेंज इन एनर्जी जीरो। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। सी क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बट नो चेंज इन एनर्जी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेफिनेशन क्या है, केल्विन की डेफिनेशन क्या होती है। सो केल्विन की डेफिनेशन मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वन अपन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हो। तीन फेज मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, वो क्या हो जाता है ट्रिपल पॉइंट हो जाता है। और वो कौन सा फेज और वो कौन से टेम्परेचर पर होता है, 1/273.16। मतलब आप बोल सकते हो 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये एक ऐसी स्टेज होता है ये। सो 0.01 डिग्री सेल्सियस यही होगा, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। अब बात करें 0.01 डिग्री सेल्सियस तो वो क्या होगा, 273.16 केल्विन। ओके सो ये होता है 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है डी जो कि सही ऑप्शन है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन रहता है वो है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई ज्यादा बात नहीं है क्योंकि आपको पहले से बता दिया मैंने आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर। तो बस क्वेश्चन ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे ब्लिंक नहीं होगा उसका,
बट वैसे ही आपको समझा देता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आप सबको पता है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे ना मास का इंटरेक्शन होता है और ना ही हीट का इंटरेक्शन होता है। वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सराउंडिंग से किसी भी तरह से ताल्लुकात नहीं रखता हो, सराउंडिंग से कुछ भी इंटरेक्शन वो ना करता हो, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। जो लोग इस वीडियो से हमारे साथ बने हुए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले थर्मोडायनामिक्स के सारे लेक्चर को देख लीजिए, तो उनको वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और साथ में फ्लूइड मैकेनिक्स के भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप वहाँ पे जाके फ्लूइड मैकेनिक्स को के भी सारे लेक्चर्स और उसके भी क्वेश्चन आंसर को आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरह से विजिट कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, उस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले भी लेक्चर के टाइम पर बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये क्वेश्चन जो हमारे जो पहले से सब्सक्राइबर या जो सब्सक्राइबर अभी जुड़े हैं, जो पहले की वीडियो देख चुके हैं, उनको ये चीज़ इजी अच्छी तरह से और इजीली समझ में आ जाएगी। इफ अ क्लोज सिस्टम इज अंडर गोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, फिर यहाँ पे चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मस्ट इंक्रीज, सेकेंड है ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट, थर्ड है मस्ट डिक्रीज, और लास्ट जो फोर है वो क्या है, कैन इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट। अब बात यह आती है कि आपके पास क्लोज सिस्टम है, पहले बात कर चुका हूँ कि क्लोज सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके सामने जब भी होगा तब आपके सामने एंट्रोपी कमेशा कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब क्या होगा कि हमें 100% आउटपुट नहीं मिलेगा, और जब हमें 100% आउटपुट नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ उसमें क्या हो जाएगी, एंट्रोपी अपना आप जनरेशन होगी। सो बात यह होगी वेन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज देयर, देन नेवर एंट्रोपी रिमेंस कॉन्स्टेंट। कोई चांस ही नहीं होता कि अपने पास एंट्रोपी कॉन्स्टेंट हो जाए। सो बस ये बात याद रखने की थी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, लास्ट ऑप्शन होगा कि वो डिक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और कॉन्स्टेंट भी रह सकता है। और यही प्रिंसिपल था एंट्रोपी के यूनिवर्सल कंसेप्ट का, जो मैंने एंट्रोपी के लेक्चर्स में बता दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने वो है हीट एंड वर्क का, आपके सामने आ गया होगा पिक्चर में हीट एंड वर्क का। चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकंड होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्ड होता है पॉइंट फंक्शन, और लास्ट होता है पाथ फंक्शन। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि मास पर डिपेंड करती है। मैं पहले ये लेक्चर में बता चुका हूँ, सारे क्लियर हो चुके हैं पहले से ही। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनडिपेंडेंट ऑन मास होता है, इनडिपेंडेंट ऑन मास, मास पर डिपेंड नहीं करता। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन मास, ये क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है। ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पे डिपेंड करती है। फिर होता है पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, does not depend on path, या path पर depend नहीं करता। और जितनी भी all thermodynamic property, all thermodynamic property वो सारी क्या होती है, point function होती है। जितनी भी thermodynamic property, आपके pressure का example ले लो, volume, temperature, वो सारे क्या होते हैं, point function होते हैं। और जो हीट एंड वर्क होते हैं वो क्या होते हैं, पाथ फंक्शन। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। सो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सीरीज में जो मैंने बताया है इसके बारे में आपको अच्छा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और
आपने अभी तक हमारे सोशल मीडियाज के जो पेज है उनको फॉलो नहीं किया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और जो नए लोग हैं जो हमारे चैनल को आज से विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पे आ गए हैं, सो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आप इस चैनल की फ्यूचर की सारी वीडियो को देख सके। दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।